देश के कई हिस्से आजकल भारी बारिश की वजह से तबाही झेल रहे हैं। असम में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ से असम बेहाल है। नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है। राज्य के निचले हिस्सों के हालात और खराब हैं। ये तस्वीरें राज्य के बरपेटा जिले की हैं। यहाँ के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। इसी के साथ मिट्टी के कटाव भी तेजी से हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसे सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचाई के इलाकों में शरण लेनी पड़ी है। नहीं नहीं, मेरा घर अभी घर नहीं, मैं दूसरी। 39 साल के जब्बार अली और उनके परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में शरण लेनी पड़ी। बाढ़ और कटान ने इनका घर छीन लिया। इरेशन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं एक दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ। मेरे अभी कोई घर नहीं। करीबन 100 फैमिली होगा। एक महीने दो महीने के अंदर ये इरेशन के कारण उसके घर टूट गया है। वो अभी दूसरी जगह में कोई रिलीफ कैंप या कोई दूसरी जगह में ठहरा है। इरेशन बहुत ज्यादा है। पिछले 20 साल में हमने इतना पानी नहीं देखा। मिट्टी कटती जा रही है। ये पास के ताराबारी चार इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राहत कैंपों पर भी खतरा है। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बसाइए, सॉल्यूशन कीजिए। ये दर्द भरी कहानी सिर्फ अली की ही नहीं है। बरपेटा जिले में 170 गांवों का यही हाल है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनके खेत, जानवर और कुछ लोगों के घर भी बाढ़ के पानी संग बह गए हैं। पिछले 20 साल में हमने इतना पानी नहीं देखा। मिट्टी कटती जा रही है। ये पास के ताराबारी चार इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बरपेटा के कालगाचिया क्षेत्र में बेकी नदी पूरे रौद्र रूप में बह रही है। बाढ़ के पानी से कटान हो रहा है। स्टेट हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों का तो संपर्क ही कट चुका है। गुवाहाटी में रतनदीप चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंता जताई है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उन्होंने राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा से हालात पर बात की है, लेकिन असम में हर साल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहयोगी नदियों में बाढ़ आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताते हैं। असम एक ऐसा राज्य है जो पूरा नदी की घाटी में बसा हुआ है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 78,483 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 56,194 वर्ग किलोमीटर का इलाका ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा हुआ है। बाकी का बचा 22,444 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में है। हर साल राज्य का करीब 40% हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है।